स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस चैनल का, इन कॉन्वर्सेशन का एकमात्र उद्देश्य है सकारात्मक बातें करें, सकारात्मकता जीवन में लाएं और सकारात्मकता को फैलाएं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बीच इस विषय पर चर्चा हेतु एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ है जो कि क्रिकेट जगत में एक जानी मानी हस्ती और एक नामचीन व्यक्तित्व हैं। बड़े ही सरल, विनम्र और बड़े ही मृदुभाषी। आइए, आप सभी के साथ स्वागत करते हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, फॉर्मर मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमिटी एंड फॉर्मर सेक्रेटरी BCCI, आदरणीय श्री संजय जगदाले सर। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। 2020, आई मीन, ये मैं क्रिकेट के फॉर्मेट की बात नहीं कर रहा हूँ, 2020 साल की बात कर रहा हूँ, जिसने हमको जीवन में बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ हमने एक्सपीरियंस करा है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग इस 2020 साल की? मैं सोचता हूँ अनिश्चितता जिंदगी की, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि पिछला 19 के एंड आखिरी से 20 में आते आते जीवन शैली और दुनिया इतनी बदल जाएगी कोरोना के कारण, जो कि हम सब उससे निकल चुके हैं। और उससे मैं सोचता हूँ काफ़ी व्यक्तियों के थॉट प्रोसेस बदले, जीने के तरीके बदले, सोचने के तरीके बदले, और ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों में गए। बाद में खैर बीमारी आने से तो नेगेटिविटी आई थी, किंतु एक चीज़ हो गई कि सब समझ गए कि हम सिर्फ आराम करना या पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, वो हम लेके नहीं जा सकते जीवन की जो अनिश्चितता है। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि अगर हमें जीवन मिला तो उसका हम जितना अच्छा सदुपयोग कर सकें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, वो बेहतर होगा। मैं सोचता हूँ ये काफ़ी लोगों ने सोचा होगा, ऐसा मेरा विचार है। बहुत सुंदर सर। सर, क्रिकेट में आप कैसे आए? क्रिकेट की जर्नी आपने कैसे स्टार्ट करी? वाज इट अ प्लान्ड मूव और ये इट्स जस्ट हैपेंड? नहीं, इट जस्ट हैपेंड। मेरे फादर फॉर्मर क्रिकेटर थे होल्कर्स, भारत की सर्वश्रेष्ठ फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीमों में मानी जाती है, इंदौर की सीके नायडू और मुश्ताक अली साहब सब थे उसमें। तो मेरे पिताजी भी उसके एक बड़े इंपॉर्टेंट सदस्य थे। फिर हम, मेरे बड़े ब्रदर में से 5 साल बड़े हैं अशोक, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बन चुके थे मैंने जब खेलना शुरू किया। पर एटमॉस्फेयर जो माहौल जो था और जो हमको घर में भी माहौल मिला, और फिर हम छोटे थे तो पिताजी के साथ मैचेस देखने जाते थे, तो एक वो जो स्वाभाविक प्रक्रिया होती है हर व्यक्ति की होती है, हर बच्चे की होती है, ग्रहण करने की या शौक डेवलप करने की, तो वो उस तरह से धीरे धीरे आता गया स्वाभाविक रूप से। सर, तो आज की जनरेशन में जहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपकमिंग स्टार्स हैं या जो क्रिकेट को अपना एज अ करियर सेलेक्ट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ प्लान बी ऑल्सो, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत है, सारी चीज़ें बहुत है, तो आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा उन अपकमिंग स्टार्स के लिए या न्यू कमर्स के लिए, कितना टाइम स्पेंड करें और किस तरह से प्लान बी की भी तैयारी करें? इफ़ नॉट प्लान ए, then what should then be? I always tell youngsters that you should not neglect your studies, education, because वो तो base है। देखिए, आप भले ही खेल में कितने भी आगे चले जाएँ, क्योंकि सिर्फ खेल के दम पे, देखिए क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है भारत में जिसको आप करियर बना सकते हैं, यानी उसमें इतना पैसा आ गया है, पर दुर्भाग्य से अभी दूसरे खेलों में इतना नहीं आया। पर क्रिकेट में भी आप करियर तब बना सकते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाएं जी। और आप जिंदगी के सारे ऑप्शंस छोड़ के अगर उसी चीज़ पे लग गए तो आप अगर असफल हुए या आपने अपने गोल हासिल नहीं किए तो आपका दूसरे ऑप्शन नहीं बचते हैं। और मैं सोचता हूँ एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक बेसिक नेसेसिटी है हर व्यक्ति को, व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी डेवलप करने में, क्योंकि आप जब स्कूल जाते हैं तो आप पहले तो आप जो भी सीख रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं घर में, परिवार में, अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं। फिर दूसरा सबसे सशक्त जो ग्रहण करने वाला पॉइंट है वो स्कूल है, जहाँ आपके टीचर, स्कूल और कॉलेज, जहाँ आप अपने शिक्षकों से सीख सकते हैं, क्योंकि जो सिखा रहे हैं उन, यहाँ पे शिक्षकों का रोल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और बाकी चीज़ें भी सीखते हैं। तो खेल के अलावा मैं सोचता हूँ कि ये तो निगलेक्ट करना नहीं चाहिए, और मैं हमेशा हर बच्चों को बोलता हूँ, और आप काफ़ी समय दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। क्रिकेट एक टाइम कंज्यूमिंग गेम है क्योंकि वो लंबा चलता है, T20 आप छोड़ दीजिए, बट जो ओल्ड फॉर्मेट है दिन के दिवसीय क्रिकेट,
तो वो तो लंबा चलता है, वो टाइम चलता है, टाइम काफ़ी लेता है, प्रैक्टिस के लिए भी आपको 3-4 घंटे निकालने पड़ते हैं, पर फिर भी मैनेज हो जाता है। मैं उदाहरण दे देता हूँ आपको, अनिल कुंबले और जवाहरलाल श्रीनाथ दो ऐसे क्रिकेटर हैं जो भारत के लिए खूब खेले, दोनों बहुत बड़े क्रिकेटर थे और दोनों इंजीनियर थे। तो बाकी जो भी जितने क्रिकेटर्स भी थे वो सब एजुकेशन बेसिक, आज भी अगर विराट कोहली खेल रहे थे बस बेसिक एजुकेशन तो थी उनकी, वो पढ़े लिखे हैं, या सौरव गांगुली या सचिन तेंदुलकर सब पढ़े हुए थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे। सचिन तेंदुलकर उनके पिता भी जुड़े हुए थे उसमें, तो वो तो नेगलेक्ट करना चाहिए, उन्होंने भी नेगलेक्ट नहीं किया, तो किसी भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। और एक समय सीमा से सारे कार्य, बिल्कुल इसी से ही मिलता जुलता प्रश्न सर, क्योंकि आपने टीचर्स की बात करी, ये सारी चीज़ों की बात करी, शिक्षा ग्रहण करने की बात करी, हमारे लाइफ में हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव या हमारे फ्रेंड्स या हमारी बुक्स ऐसी होती है जो हमें कभी ना कभी कोई एडवाइस देती ही रहती है। आपके जीवन में सबसे बेस्ट एडवाइस जिसको आप जीवन भर याद रखेंगे वो क्या थी और किसने दी थी? मैंने तो देखिए एक एडवाइस तो सिंपल नहीं बोलूँगा, पर मैं अपनी माता जी से, मेरी माँ स्वर्गीय माँ से मैं बहुत प्रभावित रहा जी, क्योंकि मेरे ख्याल से उस समय के पहले थी। देखिए उन्होंने ट्रिपल एमए करा, हिंदी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में और इकोनॉमिक्स में, ऐसे समय जब महिलाओं की शिक्षा इतनी नहीं थी, और इंटरकास्ट मैरिज था, मेरे ख्याल से फर्स्ट इंदौर का फर्स्ट इंटरकास्ट, मेरी मदर कश्मीरी थी, फादर मराठा थे, वो क्रिकेट खेलते थे और दोनों के परिवार में विरोध किया गया था, तो दोनों का विरोध किया था। पर मैं वही कहता हूँ कि मैंने वो चीज़ जो सीखी मदर से कि जो मुझे अच्छा लग रहा है जो मैं करूँगा, पहला इंप्रेशन मेरे को हमेशा मदर का था, ये इंस्पायर हो गया। उन्होंने कभी बोला ऐसा नहीं कि मेरे को बार बार टोका, बट ये मैंने ग्रहण किया कि वो उन्होंने इतनी सफलता हासिल करी, इतना उन्होंने किया, और सबके विरोध के बाद, घर के विरोध के बाद, फादर के भी घर से विरोध हुआ था कि आप कश्मीरी उनसे निकल, बट बाद में सब सेटल हो गया 2 साल में, सबको एक दूसरे से तो भूल गए। तो अपने मन में जो ठीक लगता है वो करना, वो हमेशा करना चाहिए, और गलत नहीं हो, और अगर गलत अपन रियलाइज कर लेते हैं फिर बदल भी जाता है, अपना स्वाभाविक से बदल जाता है वो। सर आप जब इतना इंस्पायर हुए अपनी मदर से तो थोड़ा सा और उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए मेरी मदर क्योंकि खुद बहुत पढ़ी, 3 AAA में थी, और वो लड़कियों में शिक्षा को फैलाने के लिए, और लड़कियों, उनका बड़ा फर्म था कि लड़कियों को शिक्षा में खूब आगे जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, सिर्फ घर में कैद रखे नहीं रहना चाहिए। वो उन्होंने खुद ने भी यही किया, वो चाहती थी कि महिलाएं यही किसी तरह से डेवलप हों। सो हमारे नाना जी ने एक लड़कियों का स्कूल खोला था पहले, जो 1910 में खोला था, तो मेरी मदर ने जब यंग थी तो वो उसमें उन्होंने चलाना शुरू किया, वो अभी तक चल रहा है, 117-118 साल हो गए स्कूल को। तो मदर का ये एक पर्पज़ था लाइफ का, उनका जिंदगी भर का पर्पज़ यही रहा कि किसी भी तरह भारतीय लड़की, अब खैर इंदौर में था तो इंदौर की लड़कियाँ खूब पढ़ें और खूब आगे और आत्मनिर्भर बढ़ें। तो उन्होंने इसलिए लड़कियों के एजुकेशन के लिए ये स्कूल में पूरी, उन्होंने पूरी ज़िंदगी खपाई एक कॉज के लिए। सो मैं जो अपन बात कर रहे थे सेटिस्फैक्शन की कि कुछ अच्छा करें, तो मेरी मदर से मैंने देखा था, मैं देखता था कि वो इतनी कमिटेड थी उस कॉज के लिए कि वो कीन रहती थी कि मैं आज ये करूँगी, आज स्कूल में ये करना है। तो वहीं के स्टाफ में मेंबर, वहीं की लड़कियाँ जो पास होती थी उनको भी बना लेती थी, या कोई नीडी होती थी उसको एम्प्लॉय करती थी, टीचर बना। तो बेसिकली उनका एम था कि लड़कियाँ आत्मनिर्भर बने, लड़कियाँ सक्षम बने, पढ़ें। तो मेरे को लगा था कि बहुत अच्छा कॉज, ये चीज़ें मैं इनबिल्ट होती गई मदर से, मेरे आई मेरे को कि कुछ अच्छी चीज़ के लिए अगर हम किसी की मदद करते हैं तो ये तो पूरी नारी उसके लिए काम हो रहा था कि महिलाओं के लिए करें। तो इस तरह से आप इंस्पायर होते हैं लाइफ में। मैंने जैसे बोला कि सबसे पहले आप घर में ही अपने पेरेंट्स से होते हैं, फिर आप स्कूल में अच्छे टीचर मिल जाएं तो बड़े लकी हैं आप, उसके टीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं स्कूल कॉलेज में, तो उनसे आप अपने आइडल तो वही बनते हैं, अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स। और सर मुझे भी बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि आगे चल के ये स्कूल कोएड हो गया, और 11th और 12th क्लास मैंने जगदाले स्कूल से ही करा, फिर बाद में कोएजुकेट हो गया। सर ये जीवन जो हमें मिला है इसमें खाना खाना, पैसे कमाना और दैनिक दिनचर्या के जो कार्य करना है, ये जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर क्या यह जीवन मात्र सहयोग है ये सारे कार्य करने के लिए, या यह कोई स्वर्णिम अवसर भी है? नहीं, मैं सोचता हूँ स्वर्णिम अवसर है, हम सब स्टेक होल्डर हैं, हर व्यक्ति इस विश्व में, अगर भगवान ने, सृष्टि निर्माता ने हमें भेजा है यहाँ, तो हम कुछ, हम हो सके तो हमारी क्षमता के अनुसार, जितनी भी क्षमता है, तो आप ज़्यादा करते होंगे मेरे से, मैं कम कर रहा हूँ, किंतु अगर हम कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ उसमें हम किसी की मदद कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं,
और किसी के साथ अन्याय नहीं करें, गलत नहीं करें। मैं सोचता हूँ यही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। छोटे छोटी मोटी मदद को, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई हम बहुत बड़ा करने जाएंगे। हम इतने इतिहास में देखते हैं जिन्होंने सेल्फलेस, आप भारत में ले लें गांधी जी का नाम, इतना बड़ा नाम है देखिए आप, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ नहीं, धोती में, एक धोती में पहनते रहे। इंग्लैंड में कॉन्फ्रेंस में गए तो धोती में, अगर उन समय के फोटोज देखेंगे आप तो सब लोग सूट और लॉन्ग कोट, उसमें जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जा रहे हैं, सब बैठे हैं कैप पहने हुए, और गांधी जी उसमें एक सिंपल धोती लेके जा रहे हैं। तो अब वो तो दूसरों के लिए ही थे, या वो साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ पे भी, जब 1920 के पहले, 15 के पहले, भारत के आने के पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, तो वहाँ भी वो अन्याय के अगेंस्ट लड़ रहे थे, दूसरों के लिए थे यंग एज में भी। तो वो एक गांधी जी का भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको बहुत सिखाता है, बहुत सिखाता है आदमी को, प्रेरित प्रेरित करता है। हम हर कोई तो गांधी जी हो नहीं सकते जी, जी, पर अगर उनका एक एक कुछ छोटा सा हिस्सा भी कुछ अगर हम कर सकते हैं जिंदगी में, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छे कॉज के लिए कुछ हम कर सकते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक होता है और जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग बात है। सर, बीइंग अ मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमेटी, कभी कोई ऐसा सिचुएशन आया आपकी लाइफ में जहाँ आपको बहुत कन्फ्यूजन था कि ये डिसीजन कैसे लिया जाए, और उस हार्ड डिसीजन को आपने कितनी आसानी से कैसे ले लिया? मतलब कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता है जिसमें, जो बहुत इंटरेस्टिंग हो और आप जो शेयर करना चाहेंगे? देखिए, सिलेक्शन कमेटी की बातें ऐसी हैं जो बाहर आनी नहीं चाहिए, और मैं हैं तो ढेरों ऐसी, पर अगर मैं बोलूँगा तो कहीं मैं बताता हूँ, कुछ आ जाएगा एकदम ध्यान मुझे तो मैं बता दूंगा आपको। बट मैं कभी कन्फ्यूज नहीं रहा सिलेक्शन में अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे कंसेप्ट क्लियर थे। वो कंसेप्ट में मैं जजमेंट में गलती कर सकता हूँ, वो बात अलग है। ह्यूमन एरर जो सबके साथ होता है कि आप मेरे को असेस करने में कि मैं इसके योग्य हूँ कि नहीं हूँ, आप वो गलती कर सकते हैं, पर वो ईमानदार गलती कर रहे हैं। आप बायस कर रहे हैं कि नहीं, इसको तो नहीं करने देना, वो चीज़ मेरे को कभी नहीं आई। ओके, तो मैं ओपन उसमें रहा हमेशा कि देख के अपनी ओपिनियन बनाई, उसमें गलत हो गई या ठीक हो गई वो अलग बात है, बट कभी इंटेंशनली या वो नहीं की मैंने कभी भी। और जब मुझे लगा कि ये अच्छा होना चाहिए तो होना चाहिए। आपने इंसिडेंट का बात की तो मुझे ध्यान आ रहा है, एकदम मैं फर्स्ट ईयर में 2000 में सिलेक्टर बना था मैं, और जॉन राइट नए नए कोच बन के आए थे, पहली बार भारत में विदेशी कोच आए, सौरभ गांगुली नए कप्तान। और पहली एक दो मीटिंग थी तो मेरे को सब मालूम नहीं था, मुझे कि सबको देखे नहीं थे, मैं मैच देखने के बाद अभी जानकारी हासिल करते हैं। तो मैंने दो एक मीटिंग में देखा कि हमारी सिलेक्शन में, किसी का नाम नहीं लूँगा, क्रिकेटर सिलेक्शन में बात होती थी, हरभजन सिंह के लिए एक आध जना बोलता था, सौरभ गांगुली बहुत चाहते थे कि हरभजन सिंह को टीम में लिया जाए, और कुछ सिलेक्टर्स बिल्कुल अगेंस्ट में थे कि नहीं उसको नहीं। और हमने, मैं भी मेंबर था, पर मैंने ओपिनियन दी थी कि मैंने उन दोनों को नहीं देखा था, हरभजन सिंह को भी और उनके कंपटीटर को भी। सौरव गांगुली बहुत इंसिस्ट करते थे, कॉन्फिडेंट थे कि हरभजन सिंह मेरे को चाहिए, पर हमारे बाकी मेंबर्स उनको नहीं दे रहे थे। तो 2000 में स्टीव वॉक की टीम आई, और उन्होंने पहला मैच, एक प्रेसिडेंट 11 का मैच होता है जैसे ट्रायल मैच, वो नागपुर में मैच हुआ, उसमें हरभजन सिंह खेल रहे थे वो प्रेसिडेंट 11 से। मैं वो मैच देखने गया हुआ था, मैं वो मैच देख रहा था, और पहली बार मैंने हरभजन को वहाँ बॉलिंग करते देखा। उसके पहले हम सरनदीप सिंह को सिलेक्ट कर चुके थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, और हरभजन ने वहाँ विकेट तो एक या दो ही लिए, पर वो जिस तरह से गेंदबाजी डाल रहे थे तो मैंने, मेरे मन में दिख गया कि यार तो सरनदीप सिंह, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, नहीं इतना बेटर है। और उस दिन सौरव गांगुली एक दिन मैच देखने आए थे, और मैंने उनको बोला कि सौरव, मैं आई एग्री विथ यू, भज्जी इज डेफिनेटली ए बेटर बॉलर एंड शुड बी प्लेइंग। वो उनके दिमाग में था। और एक 20 दिन बाद हम पहले टेस्ट की टीम बना रहे थे बम्बई में, और एज यूजल सौरव ने हरभजन सिंह का नाम लिया, एंड कुछ चयनकर्ताओं ने अपोज किया, कुछ चयनकर्ताओं ने अपोज किया। तो मैं अपने ओपिनियन देने की बात कर ही रहा था कि सौरभ को पर ध्यान था, तो सौरभ ने एकदम ऐसा झुक के बोला, सर योर ओपिनियन, और मैंने अपनी ओपिनियन जो थी वो दी, जो ओपिनियन थी वो दी। मीटिंग हो गई, हरभजन सिलेक्ट हुए, हरभजन सिलेक्ट हुए उसमें से, फिर तो रेस्ट इज हिस्ट्री, फिर उन्होंने तो पूरा। तो किसी ने मुझे बोला उस दिन मीटिंग खत्म होने कि यार तूने उसको, दादा को क्यों सपोर्ट कर दिया? तो मैंने सिंपल बोला, मैंने कहा मेरे को जो लगा कि वो बेटर बॉलर है, बोले नहीं यार, मैंने कहा हो सकता है गलत हो, बट मेरे को जो लगा वो मैंने बोला, खत्म, वो बेटर था, तो मैंने दिया अपना ऑनेस्ट। तो अब वो लकीली ठीक डिसीजन भी हो गया, और हरभजन सिंह कहाँ से कहाँ निकल गए।
तो ये तो इंस्टेंट था कि अगर था तो था, अच्छा हो सकता है कि मैं गलत निकल जाता उसमें। सर बीइंग अ सिलेक्शन कमिटी, आप कौन कौन से एरिया होते हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं जो कि क्रिकेट को अपना करियर अडॉप्ट करना चाहते हैं या ऑप्ट करना चाहते हैं, उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, मतलब आप किन चीज़ों को देखते हैं, क्या ये आप शेयर कर सकते हैं कि इन एंगल्स को हम देखते हैं? देखिए सबसे पहले तो आत्मविश्वास। अब सिलेक्शन किस लेवल पर हो रहा है, देखिए भारतीय टीम में अगर कर रहा हूँ, मैं सिलेक्टर था मैं 7 साल, तो मैं सबसे पहले देखता था कि इसमें वो कैलिबर है कि नहीं ऊपर का। देखिए हर लेवल के एक लिमिट होती है हर खिलाड़ी की, या बिजनेस में भी, जैसे बिजनेसमैन की भी एक लिमिट रहेगी किस लेवल तक जाए, हर कोई तो टाटा बिरला या अंबानी नहीं हो सकते। सो वो भी आपको असेस करना पड़ता है। अगर आप फाइनेंस में रहते हैं और अगर आपको शेयर मार्केट में करना है तो आपको शेयर करते हैं असेस कितना तक जाएगा, वो चीज़ यहाँ भी अप्लाई, तो आपको देखना पड़ता है इसमें पोटेंशियल कितना है, इसका आत्मविश्वास कितना है, इसका एटीट्यूड क्या है, ये प्रेशर में कैसा खेलता है, ये बेटर लेवल पर जब जाएगा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है वहाँ का लेवल अलग है, जब थोड़े बेटर लेवल पर जाएगा उस लेवल पर टिकने की इसमें योग्यता है कि नहीं, इसमें क्षमता है कि नहीं, और उस लेवल पे क्या ये और बेटर कर जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ा चैलेंज मिलता है वो और बड़ा करते हैं। सो ये चीज़ें हमेशा हम देखते थे और अभी भी चैनलता देखे दिखती होंगी, कहीं ना कहीं मेंटल फिटनेस क्या बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वो घूम फिर तो आत्मविश्वास उसमें आ जाता है सबसे पहले, वो तो लाइफ में आपको हर जगह चाहिए अगर आत्मविश्वास नहीं है। सर क्रिकेट को आपने इतने क्लोजली ऑब्जर्व करा है, इतने साल उसमें रहे हैं, क्रिकेट से हम जीवन में क्या सीख सकते हैं, कोई एक बात? एक एकदम तो मैं कोई मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें कि क्रिकेट एक तो बेसिकली टीम गेम है और हर खेल ही, मैं क्रिकेट के अलावा फुटबॉल हॉकी में भी लूँगा कि जो टीम गेम है वो आपको मिल के काम करना सिखाता है सबसे पहले तो जी। एक तो एक दूसरे को कैसे मदद करना, एक दूसरे के कैसे विश्वास जताना, एक दूसरे को अगर ख़राब टाइम है तो कैसे बैक करना, कैसे कॉन्फिडेंस बनाना, एक बैट्समैन अगर फेल हो रहा है लगातार तो उसके दूसरे बैट्समैन उसको सपोर्ट करते हैं, या आप मैच देखते होंगे बॉलर को स्ट्रगल कर रहा है तो उसको आसपास के फील्डर बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं शाबाश कोई बात नहीं, या कैच छोड़ दिए। सो ये एक बेसिक वो चाल होती है, ये हैबिट बन जाती है। देखिए आप रिपीटेडली जो करते हैं वो लाइफ में आपकी हैबिट बनती जाती है। दूसरा फाइट बैक करने का, कि आप हर खेल में, अगेन हर खेल में, मैं सिर्फ क्रिकेट के ही बोलता हूँ, सब खेल में आपका खराब टाइम आता है पिछड़ जाते हैं, बट वो आप अगर आप में दम है, जो मैं बोल रहा था कि आत्मविश्वास जो देखते हैं कि वो फाइट बैक कैसे करते हैं, आप कर रहे हैं कि आप गिव अप कर रहे हैं, तो वो चीज़ लाइफ में भी अप्लाई होती है कि खराब टाइम आया है आपका, स्ट्रगल कर रहे हैं आप गिव अप कर दें लाइफ बिल्कुल ही, या फिर आप डिटरमिन्ड मर के निकले और कि नहीं मैं बन करके देखूंगा। सो ये चीज़ें बेसिकली ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। दूसरा आपका आपका वो बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है ओवरऑल पर्सनैलिटी का, कि आप जब खेलने लगते हैं तो आप बड़े उन्मुक्त हो जाते हैं और आप छोटी छोटी बातों पे वो नहीं होते, उत्साहित नहीं होते या हतोत्साहित नहीं होते हैं, आप कई चीज़ों को निगलेक्ट कर जाते हैं छोटी मोटी चीज़ों को लाइफ में, कि जिसको लेके इशू नहीं बनाएंगे आप, अरे छोटी सी किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने इशू बना दिया तुमने, ये चीज़ें आप स्पोर्ट्स में आने से आप धीरे धीरे अवॉइड हो जाती हैं। आपने देखा होगा कमेंट्स होते रहते हैं जी, बट वो ऑल पार्ट ऑफ क्रिकेट, ऐसे ही वो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाते हैं। सर क्रिकेटर्स को आपने इतने क्लोजली ऑब्जर्व करा है, नॉट ओनली इंडिया बट दूसरे देशों के भी क्रिकेटर्स को आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करा है, कुछ ऐसे नाम जिन्होंने आपको बहुत इम्प्रेस करा है और क्यों करा है? देखे हुए कि हिस्ट्री के कोई जो भी आप यदि देखे हुए हैं तो मेरे ख्याल से नेचुरली आप देखिए, मैं एक तो नहीं बोलूंगा पर मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस था, मैं अभी तक का ग्रेटेस्ट क्रिकेटर जो आता हूँ सर गैरफील्ड सोबर्स जो वेस्ट इंडीज के जी। मैं सोचता हूँ कि भगवान भी कोशिश करेगा तो इतना कम्प्लीट क्रिकेटर नहीं बन पाएगा, इतना कम्प्लीट क्रिकेटर तो नहीं हुआ। फिर आज के मॉडर्न जमाने में राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, और अगर बाहर के देश में देखेंगे तो बहुत से विकी पोंटिंग थे, एडम गिलक्रिस्ट थे, तो या ब्रायन लारा थे, इन ये सभी एक ही क्वालिटी से पिरोए हुए थे या सब में कुछ अलग अलग आपने क्वालिटी देखी? सब में तो अलग अलग रहती है, देखिए किसी का कुछ प्लस रहता है किसी पर, एक कॉमन, ये इतने बड़े प्लेयर थे कि एक इनका कॉमन फैक्टर तो था, आत्मविश्वास से भरपूर थे, टैलेंट से भरपूर थे, दोनों चीजें थी और बड़ा बनने की जो ख्वाहिश होनी चाहिए वो, और उसको करने के लिए अचीव करने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार, ये ऐसे डेस्परेट लोग थे कि कुछ भी करें। कोई सैक्रिफाइस का कोई एग्जांपल?
देखिए एग्जांपल एकदम तो नहीं, बहुत सारे सब में निकल आते हैं ये। अब आपने एकदम पूछ लिया तो मैं क्रिकेट का एक, देखिए क्रिकेट एक कैसे स्पोर्ट्स क्या सेक्रीफाइस सुनाता है। मैं एक चश्मे एकदम याद आया तो मुझे राहुल रविड़ को क्यों मैं एडमायर करता हूँ, इसलिए मैं राहुल रविड़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनके क्रिकेटर का भी और एज ए पर्सन भी, क्योंकि उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, सिलेक्टर था तब भी, फिर मैं उनके साथ बहुत टूर पर रहा, मैनेजर बन के भी रहा, बहुत तरह के सलाह उनके साथ नज़दीक से काम किया, ऑफिस बन के किया, तो सभी क्रिकेटरों के साथ बहुत काम। बट राहुल का मैंने रिमार्केबल चीज़ देखी कि वो जब कप्तान थे तो मुझे एक इंस्टेंट याद आ रहा है, इंग्लैंड में 2007 में वनडे सीरीज़ खेल रहे थे और राहुल द्रविड़ विश्व के नंबर 3 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माने जाते थे, वो नंबर 3 पे खेलते थे फिर। तो ये जो मैं इंस्टेंट दे रहा हूँ ये आगे क्रिकेट क्या सिखाता है उसमें भी अप्लाई हो रहा है। तो राहुल द्रविड़ 3 नंबर पर खेलते थे और एक ब्रिस्टल में मैच हुआ सेकंड वनडे और राहुल द्रविड़ ने 90 कुछ नॉट आउट बनाए, मैं वहाँ सिलेक्टर के रूप में मौजूद था और उन्होंने 90 भी बनाया, मैच भारत जीत गया, बड़ा अच्छा मैच हुआ था, जीते थे। उसके बाद वो 2 मैच में गौतम गंभीर भी खेले थे, नए थे गौतम गंभीर, बिल्कुल नए नए आए थे और वो थोड़ा नीचे खेले थे 5-6 नंबर पे, तो उनको ज़्यादा बैटिंग का अवसर नहीं मिला था, तो वो आउट भी हो गए थे 15-20 रन पे, ऐसे आउट हो जाते दोनों बार। थर्ड मैच के लिए हम मैं से बात कर रहे थे राहुल टीम की क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको रॉबिन उथप्पा का नाम सुझाया कि वो भी नया थे, मैंने कहा तो मेरे को राहुल बोले कि नहीं एक चांस अपन 3 चांस देंगे, गौतम को भी देते हैं क्योंकि वो 5-6 नंबर पे खेला है। और उसने मेरे से बोला जो मुझे सरप्राइज हो गया कि उसको मैं अपना नंबर दूंगा। अब ये देखिए मैं नहीं सोचता कि इंडियन क्रिकेट में कोई क्रिकेटर या और दूसरे क्रिकेट टीमों में भी टॉप 3 में वनडे मैचेस में टॉप 3 नंबर 1-2-3 में से जो बैटिंग करते हैं वो अपना नंबर कभी देगा, कभी नहीं देखने में आएगा आपको, क्योंकि चिढ़ जाते हैं लोग अगर वहाँ से नंबर हटा दिया, क्योंकि उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। एंड राहुल ने उनको नंबर दे दिया अपना, मेरे नज़रों में उस दिन राहुल द्रविड़ तो कहाँ से, मैंने कहा यार जो आदमी कप्तान है वो अपना नंबर दे, ये देखिए टीम कैसे सिखाता है एक दूसरे को मदद करना। और गौतम गंभीर ने वहाँ 3 नंबर जाके कुछ 40-1 रन बनाए थे, धीरे धीरे वो स्टैब्लिश हो, पर राहुल द्रविड़ का सेक्रीफाइस हुआ कि उनको बल्लेबाजी मिलती ही नहीं थी फिर बाद में 6 नंबर पर। सो ये चीज़ें सेक्रीफाइस भी अगेन उन्होंने सिखाया और अपना अपॉर्चुनिटी अपने एक कलीग को दे दी, फेयर ट्रायल दिया उसको खेलने का मौका दिया, बराबर उसका ध्यान रखा कि वो 5-6 नंबर पर नहीं खेल पा रहा था जब चांस नहीं मिल रहा, तो ये सब चीज़ें आप स्पोर्ट्स में अपने आप डेवलप कर जाते हैं। सर इतनी अच्छी बात लगी मुझे जो मैं आप सभी व्यूअर्स को भी बोलना चाहूँगा, 2 प्रस्पेक्टिव होते हैं लाइफ में, एक लेग पुलिंग और एक मोटिवेशन। हम डिसाइड करें कि हमको क्या करना है, हमको लेग पुलिंग करके अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को उनकी लेग पुलिंग करके उनको खींचना है, या उन्हें बैकअप करके, उन्हें मोटिवेट करके उन्हें और बढ़ावा देना है और वो लेवल पे पहुंचाना है जहां पे वो सोच भी नहीं सकते पर आपके बैकअप के थ्रू वो वहां तक पहुंच सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही सर आपने। अंतिम प्रश्न मेरा सर आपसे रहेगा कि जीवन का कोई ऐसा वाक्य, ऐसे जीवन में बहुत सारे वाक्य रहते हैं जो आपके जीवन में यू टर्न लेके आते हैं, पर कोई एक ऐसा वाक्य जो आपको याद है जो आपके जीवन में यू टर्न लेके आया, वो वाक्य क्या है? मैं सोचता हूँ कि मेरा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में सचिव बनना, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लूँगा। मैं कोचिंग करता था 1997-98 तक और मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना मुझे शौक था ना मैं बनना चाहता था एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं से भी। पर इंदौर में एक मैच हुआ इंटरनेशनल मैच 97 में श्रीलंका गेंद, जो कि अबैंडन हो गया, विकेट ख़राब था तो हुआ नहीं मैच जी, और इंदौर को बैन कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सर्कल से कि भाई यहाँ ये इंदौर इंटरनेशनल क्रिकेट लायक नहीं, अब यहाँ इंटरनेशनल मैच नहीं होंगे। तो उस समय माधवराव सिंधिया जी अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश क्रिकेट, मैं तो अपना क्लब चलाता था, कोचिंग करता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने उसमें फोर्स किया कि आप सचिव, और मैं बिल्कुल कीन नहीं था, भागते रहता था, मैं कुछ नहीं बन, नहीं मेरे को इसमें नहीं आना है, मेरा शौक कोचिंग का है, मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ वही करना। किंतु मेरे को कनमड़ी का साहब थे हमारे पुराने सेक्रेटरी, BCCI रह चुके, बड़े वरिष्ठ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने मेरे को बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं तुमको MP क्रिकेट में इंटरेस्ट में करना पड़ेगा। और कुछ मित्र लोग थे और यंग क्रिकेटर्स बहुत पीछे पड़े कि सर आप बनिए, क्योंकि वो चाहते थे क्रिकेटर भी बने तो कुछ क्रिकेट की सुविधाएं और कुछ चीज़ें। तो मैं बड़े बेमन से बना था और बाकी मैंने कभी एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इन्जॉय नहीं किया जितना खेलना और सिलेक्टर का इन्जॉय किया था या कोचिंग इन्जॉय की थी।
तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उससे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया। फिर मैं 2 साल बाद फिर छोड़ना चाहता था, तो माधवजी ने मना कर छोड़ा नहीं मेरे को। मैं फिर 2-4 साल बाद फिर छोड़ना चाहता था वो, तो मेरे को छोड़ा नहीं। फिर तो मेरे को छोड़ते ही नहीं गए। फिर मेरे को BCCI में सिलेक्टर बन के धीरे धीरे वहाँ आ गया। BCCI में भी मैं जॉइंट सेक्रेटरी, जब 2008 में शरद पवार जी ने मुझे ध्यान मुझे फ़ोन किया कि संजय तुम्हें वी वॉन्ट यू टू एस, मैंने मना किया, बोले नहीं नहीं दैट इज़ नॉट योर कॉल, वी हैव डिसाइडेड। सो मैंने कहा सर मैं 3 दिन बताऊंगा, बोले नहीं नहीं 3 दिन नहीं, मैं यू हैव टू बी देयर। सेम चीज़ फिर मेरे जब मैं सेक्रेटरी बना 3 साल बाद, तो वहीं भी मैं मनना नहीं चाहता था, पर मुझे एक कमरे में बंद करके, शशांक बनर उस समय अध्यक्ष थे BCCI के जी, और श्रीनिवासन एन श्रीनिवासन सेक्रेटरी थे जी, उन दोनों ने मेरे को पकड़ के नागपुर में कमरे में बंद करके और मेरे को खूब मोटिवेट किया कि इंडियन क्रिकेट के इंटरेस्ट में मोटिवेट किया हमने कि इंडियन क्रिकेट में इलेक्शन हो जाएंगे, 3 जने लड़ने वाले हैं तुम, और सब गंदगी आएंगी, ये आएगा, गलत लोग आ जाएंगे, आएगा तो तुम इंडियन क्रिकेट के इंटरेस्ट में तुमको लेना चाहिए, लो हम तुम्हारे को हर तरह से हेल्प करेंगे, सब करा। और बोले हम तुमको जब तक नहीं जान देंगे बाहर जब तक यस नहीं करोगे, ये नागपुर की बात। तो मैं वो तारीख भी कभी नहीं भूलता हूँ, 24 अगस्त 2011। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था जब मेरे को उनने बोल दिया कि हम तुम्हें रूम के बाहर नहीं निकल लेंगे। सब हंसी मजाक में हो रहा था खैर बात, बट वो माने नहीं, लिटरली माने नहीं। और उससे संबंध भी ऐसे थे कि ठीक है, उनने मुझे कन्विंस भी ऐसा किया कि इंडियन क्रिकेट के इंटरेस्ट में करना है। वो एक टर्निंग पॉइंट था बहुत बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे बहुत सुंदर चर्चा हुई, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, क्रिकेट और लाइफ को हमने रिलेट करा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के इस कॉन्वर्सेशन से हमने बहुत कुछ सीखा, आइए किन बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उन्हें अपने जीवन में ले आगे बढ़े, क्योंकि कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमसे जरूर शेयर करें, और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। एक बड़ा मजेदार उन्होंने कहा कि जन्माला आला रेड़ा पानी बहाता बहाता मेला, रेड़ा है पानी ढोता है, पैदा हुआ सार्थक तक क्या है, पानी ढोया जीवन प्राप्त हो गया। अतिरिक्त तो तुमने जो कुछ किया होगा उसकी चर्चा होगी। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजा पुत्रम बलि दद्यात् देवो दुर्बल घातक। घोड़े की नहीं, हाथी की नहीं, शेर की तो कभी भी नहीं, बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, देव भी दुर्बल का ही घात करते हैं। तो फिर हम विद्वानों से पूछना चाहेंगे कि देव भी यदि दुर्बल का घात करते हैं तो फिर धर्म क्या है? तो फिर उसका उत्तर बताया कि बलोपासना ही धर्म है। अब जब बलोपासना धर्म बताया तो सिर्फ पहलवान होने से काम हो जाएगा क्या? सिर्फ दिमाग से हम ताकतवर हो जाए उससे काम हो जाएगा क्या?